मियाँ 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 भाई, मियाँ 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 भाई सॉन्ग को रियाक्ट करने के बाद अब एक और गाना हम रूहान का रियाक्ट करने वाले हैं। गाने का नाम है, नाम आपको बताइए यार। Welcome to my YouTube channel. My name is Ishan, Sethi, and if you're watching me for the very first time, I would love it if you hit the subscribe button right now. हमारे ब्रांडों तो खंडी दिख रही है, बजा दो सो we can get connected and you don't miss any video from my side. वैसे देखा जाए तो मेरे भी जो आसपास के लोग हैं दे डोंट नो हु रूहान इज, मतलब शायद उन्होंने मियाँ भाई सुना होगा, मतलब मेरा रिएक्शन देखा होगा तो उन लोगों को पता चला होगा मियाँ भाई गाने के बारे में। पहले शायद नहीं पता होगा, मेरे रिएक्शन करने के बाद पता चला होगा। और अब भी कई लोग हैं शायद मेरे जो आसपास के जिन्होंने मियाँ भाई गाने को नहीं सुना है और जो रूहान अरशद को नहीं जानते। पर देखा जाए तो रूहान एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट शायद अभी भी है, उस टाइम तो था जिस टाइम मैंने मियाँ भाई गाने को रिएक्ट किया था। जैसे मैंने उस वीडियो में बताया था कि मुझे मियाँ भाई गाने के बारे में साहिल खान के थ्रू पता चला था, उसने एक स्टोरी डाली थी तब मुझे पता चला था ये गाना है, मैंने सर्च किया। और अब तो इस गाने के लगभग आई बिलीव 150 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं। और जब मैंने रिएक्शन किया था तो आप में से बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगा था और आप में से कुछ लोगों ने मुझे इसके बारे में बताया, मुझे कोई आइडिया नहीं था इसका नया गाना आया, इसलिए गाना शायद परसों आया था, रिएक्शन आज बन रहा है। तो आप में से कुछ लोगों ने बताया कि नया गाना आया, फिर मैंने सर्च किया, मैंने कहा रुबाब गाने का नाम है। मतलब अगर सोचा जाए कि ये गाना किस तरीके का हो सकता है, मतलब अगर मैं अपना अनुमान लगाऊं तो क्या होता है जब गाना किसी का एक गाना चल जाता है तो उसके बाद वो अपनी बात करने आ जाता है, समझ रहे हो, मतलब कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये है वो है, मैं इससे बड़ा, मैं उससे बड़ा, इससे छोटा, तो वो सब आ जाता है। अब देखते हैं रुबाब गाने में क्या है, मतलब किस चीज़ के ऊपर ये गाना है। आई होप बाकी लोगों की तरह वो भी अपने को अब स्टार बन के ना दिखाए इतनी जल्दी गानों के थ्रू। तो जल्दी जल्दी गाना सुनते हैं, आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर दिस सॉन्ग। पिछला गाना मियाँ भाई बहुत मज़ा आया था सुन के, आई होप इस गाने में भी उतना ही मज़ा आए। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को रूहान तक पहुंचाना है, उसे बताना कि मिस्टर सेठी ने उसका वीडियो रिएक्ट किया है। लेट्स गो। ए जी प्रोडक्शन, जेड भी बोलते हैं जी को, रुबाब बाय रूहान अरशद, अरशद वारसी नहीं रूहान अरशद। ये हैदराबाद, ईशान की हैदराबाद में उसमें कितना डिफरेंट लग रहा है। ईशान है हिंदू मुसलमान इस्लाम की पहचान, गोल कुंडा कारवान हैदराबाद की शान, सबके मिट्टी जुबान पाशा भाई की दुकान, यहाँ मछली का माइनर का घावा जोया, इंजल के खाला इनकी आवाज में डकारा, हर गली में पुकारा पर का सुसा लाला, मेरा भाई राशिद लाला, 5G का जमाना मेहनत से कमाना, फेमस होना था मेरा ख्वाब ख्वाब ख्वाब, लौंडे बोले आज मुझे बाप 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 है रुबाब, हैदराबाद के नवाब मियां भाई की आवाज, गली गली जिंदाबाद, रुबाब है रुबाब, हैदराबाद के नवाब मियां भाई की आवाज, गली गली जिंदाबाद। बहुत सही भाई, बच्चा मैंने बोला था ना कि अपनी बात करेगा, अब बोला उसने सब बोलते हैं बाप चलता, लेकिन बढ़िया मजा अच्छा था। फ्रॉम हैदराबाद अगेन, शान ये है मेरा हिंदुस्तान, मिल छुल कर रहते यहाँ हिंदू मुसलमान है, पठान की जुबान पैराडाइस का मैदान, सेंटेंस के बच्चियों को झुके मारो जी सलाम, फुपो हो या खाला जान लगाते सिंधु पाम, इनके बड़े बड़े नाम इनके बड़े बड़े काम, सिटी कॉलेज शादान अपने पट्टों का है नाम, नवाबों का खानदान, पत्थर घट्टी चार का मान, गंगा जमुना तहसीब हर डिश हाल अजीज, पूरे नहीं हुए जिनके ख्वाब ख्वाब ख्वाब, हमको सिखाने चले हिप हॉप हॉप, रुबाब है रुबाब हैदराबाद के नवाब मियां भाई की आवाज, गली गली जिंदाबाद, रुबाब है रुबाब हैदराबाद के नवाब मियां भाई की आवाज, गली गली जिंदाबाद। हर गली में पुकार के टीआर के सीआर, पलानों की शादी में तीन मार मुर्गी चौक के चबूतरे, अपने बच्चे चुलबुले, लौंडे खाते कुरकुरे, ज़ारत के मुरमुरे, हर तरफ है तबाही हर तरफ है मचाई, अपने गाने सुन के लोग छोड़ दिए पढ़ाई, ओ भाई मेरे भाई फुल वॉल्यूम से लगाओ मियाँ मियाँ भाई, अपने गाने सुन के फोना हो गए खराब, यहाँ के रोड आए खराब, हर गली में आसाब, कोई नहीं है मुसारा पर कोई नहीं है मेरे पास, मैं मियां भाई रूहान अरशद का मर्दाबाद।
बात है रुबाब है रुबाब हैदराबाद के नवाब मियां भाई की आवाज गली गली जिंदाबाद है रुबाब है रुबाब हैदराबाद के नवाब मियां भाई की आवाज गली गली जिंदाबाद है रुबाब है रुबाब हैदराबाद के नवाब मियां भाई की आवाज गली गली जिंदाबाद रुहान अरशद मैन गुड सॉन्ग ब्रो शॉर्ट एंड शाहरुख शेख तो एमवी का नाम था ओह दिस वॉज अ नाइस सॉन्ग मतलब जैसी मुझे आशंका थी मतलब जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी इस गाने से वो पूरी हो गई मतलब मियाँ भाई के जैसा ही ये गाना है बहुत सेक्सी है लेकिन हाँ मियाँ भाई की तो मतलब बात ही अलग है वो गाना अपने में बहुत बढ़िया है ये गाना अपने में बढ़िया है कोई कोई आर्टिस्ट के ना कोई कोई गाने ऐसे आते हैं जिनको वो दोबारा बीट नहीं कर पाते बीट इन द सेंस मतलब इतना बढ़िया गाना देते हैं कि दोबारा उतना बढ़िया आगे ही बढ़िया गाने देते हैं लेकिन उससे ज़्यादा बढ़िया आने में बहुत मुश्किल हो जाती है अगर आप लोग आखिर को जानते होंगे जिसका वो गाना था खाब ना 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 गाने के लिरिक्स भूल गया मैं तो उसका ये जो गाना था ना इतना कल्ट फेमस और बढ़िया गाना है कि अभी जो बाद में उसके गाने हैं वो बहुत बढ़िया बढ़िया है लेकिन उससे ज़्यादा बढ़िया नहीं दे पाया उसी तरीके से रुहान का जो ये गाना है बहुत अमेजिंग है बहुत बढ़िया है वाइब अच्छी है इसमें भी उसने हैदराबाद को दिखाया है थोड़ा आसपास की मतलब अपनी लोकेशन अपने आसपास को दिखाया है लेकिन वही बात है जो मियाँ भाई वाली बात है वो मतलब वो अलग ही बात है और आगे भी जैसे अगर रुहान और गाने करेगा तो मुझे नहीं लगता मियाँ भाई जितना बढ़िया गाना दोबारा दे पाएगा बढ़िया गाने दे रहा है ऑब्वियसली बात है ये गाना बहुत सही है और बहुत मज़ा आ रहा होगा आप में से बहुत सारे लोगों को ये गाना सुनने में जो हैदराबाद के हैं स्पेशली और जो हैदराबाद घूम चुके हैं मैं तो कभी हैदराबाद आया नहीं बट जो भी मुझे हैदराबाद की वाइब पता है वो मुझे मतलब ऐसे गानों के थ्रू या वीडियोज़ के थ्रू पता है मुझे मतलब कि मियाँ भाई वगैरह वहाँ पे चलता है तो जो लोग हैदराबाद में हैं या हैदराबाद होकर आ चुके हैं वो इस गाने को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे मुझे बहुत मज़ा आया गाना सुन के और बहुत इन्जॉय किया ये सॉन्ग मैंने आई होप आप लोगों को भी ये सॉन्ग अच्छा लगा होगा आप में से कुछ लोग ये गाना पहले देख चुके होंगे और फिर मेरा रिएक्शन देखने आए हैं कि मिस्टर सेठी को कैसा लग रहा है तो उसके लिए भी थैंक यू है और आपको मेरा रिएक्शन पता चल गया कि मुझे ये गाना कितना बढ़िया लगा है लेकिन मैं आपका रिएक्शन भी ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपको ये गाना कैसा लगा अगर आपको ये गाना अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मेरे हिसाब से तो मैं इस गाने को थम्स अप देता हूँ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इफ़ लाइक मी रिएक्टिंग टू दिस सॉन्ग प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ फ्रेंड्स और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना कि और कौन कौन सी चीज़ें हम देखें रिएक्ट करें जैसे आप लोगों को पता है आप में से कई लोगों को शायद नहीं पता हो जो पहले से देखते हैं उन्हें पता है कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट होती है जो भी आपके सजेशन होते हैं मैं ज़रूर पूरा करता हूँ बस थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि सब चीज़ें एक साथ एक टाइम पे तो नहीं हो सकता है बारी 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 एक एक करके बारी आती है और लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर देर है पर अंधेर नहीं होगा ज़रूर टाइम लग जाता है तो इसमें भी टाइम लग गया कल आया था कल नहीं शूट कर पाया आज शूट करा और आज ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा मैं आपसे मिल जाऊँगा बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ सो बोल मेरे गेंस हूँ तब तक लिहाजते रहो मुस्कुराते रहो खुश रहो डू समथिंग प्रोडक्टिव मेरी जान